अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है सफ़ेद लोबिया, जिसे बनाना बहुत इजी और सिंपल है। इसे आप चपाती या ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप वाइट लोबिया लिए हैं, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, जिसे मैंने काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1/3 कप हरा धनिया लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है, आप हसबे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून इमली ली है, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया है। 1 लेमन लिया है, जिसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। एंड 1/3 कप ऑयल लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से गोल्डन कर लेंगे और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है कि जले ना। अगर प्याज जल जाएगी तो हमारे लोबिया में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो प्याज यहाँ पर गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें सफेद जीरा ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। साथ में हम इसके हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे, उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और टमाटर को अच्छी तरीके से हमें सॉफ्ट कर लेना है। पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट तक कवर करके रख देंगे कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इमली ऐड करेंगे, जो मैंने पानी में भिगो के रखी थी वो ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि टमाटर पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। तो टमाटर पेस्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इसमें लोबिया ऐड करेंगे। और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे। और
और इसी स्टेप पर अब हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमने फ्लेम ऑफ कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमने इसे डिश आउट कर लिया है और गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लिया है। तो हमारे मज़ेदार से सफ़ेद लोबिया तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।